भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले आगामी 26 अप्रैल को पानी, बिजली, कोयला चोरी एवं अवैध माइनिंग के खिलाफ चिरकुंडा नगर परिषद के मुख्य द्वार पर विरोध प्रदर्शन करेगी। यह जानकारी देते हुए चिरकुंडा मंडल के अध्यक्ष अनिल यादव ने चिरकुंडा के अपर बाजार में एक सभा का आयोजन किया, जिसका नेतृत्व भाजपा के बापी सेनगुप्ता ने किया और कहा कि 26 अप्रैल को चिरकुंडा शहीद चौक से प्रातः 8 बजे जुलूस के शक्ल में पैदल चिरकुंडा नगर परिषद के मुख्य द्वार पर जोरदार प्रदर्शन होगा। इस प्रदर्शन का नेतृत्व धनबाद के सांसद पशुपतिनाथ सिंह एवं निरसा विधायक अपर्णा सेनगुप्ता करेंगे। इसकी तैयारी हेतु चिरकुंडा भाजपा के मंडल अध्यक्ष बापी सेनगुप्ता की अध्यक्षता में भाजपा की तैयारी समिति की बैठक हुई। बैठक में इस कार्यक्रम के लिए प्रशांत बनर्जी को कार्यक्रम प्रमुख बनाया गया। बैठक का संचालन जगन्नाथ सिंह ने किया। हेमंत सरकार जो लूट तंत्र करवा रहा है, अवैध खनन करवा रहा है और निरसा की धरती पर मौत के सौदागर जो यहाँ के धनबाद के जो प्रशासनिक अधिकारी है मिली भगत से, जो सिंडिकेट चल रहा है, कोयला माफियाओं को उजागर हो और गरीब जनता, गरीब जो लोग जो अवैध रूप से जो खनन में घुसाते हैं उसकी मौत हो रही है, वह भी भारत की जनता है, गरीब जनता है, पेट के चलते जा रहा है, इसलिए इसको रोका जाए। और पानी और बिजली जो सरकार यह नहीं दे रही है, जनता से पैसा ले रही है, इसलिए हम लोग आज जनता को गोलबंद करने के लिए और सड़क से सदन तक भारतीय जनता पार्टी इसकी ईंट से ईंट बजा देगी। और हम लोग 26 तारीख को इस सरकार के जो अंग है नगर निकाय, उसको हम लोग भारतीय जनता पार्टी घेरने जा रहे हैं।